देश भर में कलकत्ता की दुर्गा पूजा मशहूर है। यह पूजा अब पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भी इस त्यौहार की धूम है और यहाँ पर लोग 9 दिन तक माँ की सेवा तन मन धन से करते हैं। उन्हीं में से एक है सिराज हिंद जौनपुर की धरती। यहाँ की दुर्गा पूजा पूरे पूर्वांचल में मशहूर है। जनपद के लोग जो बाहर रहते हैं वो भी माँ दुर्गा के दर्शन को लालायित रहते हैं और मौका मिलते ही गिर जनपद पहुँच जाते हैं। इस बार दुर्गा पूजा में आपको दिव्य पंडाल के साथ साथ अलग अलग थीम की सजावट देखने को मिलेगी, जिसे देखने के लिए आप जरूर पूजन पंडाल तक आएं। नगर की पुलिस लाइन कन्हैपुर में स्थापित होने वाली माँ अष्टभुजी संस्था के पदाधिकारी लगभग एक माह पूर्व से ही पूजन पंडाल को बनाने में लग गए हैं। यहाँ पर इस बार आपको प्राचीन गुफाओं का अनुभव मिलेगा। इस बार यहाँ पे हम लोग कुछ अलग दिखाना चाहते हैं जनता को, जिसमें हम गुफाओं में आज के हजारों साल पहले पीछे जाएंगे तो माना का उद्भव किस तरह से हुआ था और स्टेप बाय स्टेप मतलब कि वो कैसे विकास किए उसको हम लोग दर्शाना चाहते हैं। कितने दिन से लगे हुए हैं आपको? एक महीना हो गया, धीरे धीरे एक महीना। तो संस्था का क्या नाम है? मास्ट भुजी संस्था कन्हैपुर जौनपुर पुलिस लाइन। क्या नाम है? चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा नाम है। नगर के गौशाला परिसर में स्थापित होने वाली महाशक्ति संस्था के पदाधिकारी इस बार अपने पंडाल को अंतरिक्ष का रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रयान 2 की झलक पूरे पंडाल में देखने को मिलेगी। इस बार पूरे जौनपुर शहर वालों को एकदम नया और एकदम एंटिक चीज देखने को मिलेगा। जो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो कुछ वैज्ञानिकों के सफल प्रयास जो हुआ, बहुत लोगों ने असफल प्रयास के रूप में दिया संज्ञा। सफल रूप में जो उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो किसी कारणवश से नहीं पहुंच पाया, उसी पे हम लोगों ने एक स्लोगन दिया हुआ है, हम होंगे कामयाब। इसलिए इस बार आपको चंद्रयान का पूरा मॉडल मिलेगा। अंदर आएंगे आपको विक्रम का मॉडल मिलेगा, आपको अर्धचंद्र का पूरा मतलब ऐसा लगेगा कि आप लोग अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं। इस बार एकदम नया थीम है, एकदम मैं तो शहर वालों से कहूँगा वो आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों जो इसरो ने काम किया है और हमारी संस्था उनको इस बार ये डेलीगेट करेगी कि वो और भी सफलता साथ जल्द से जल्द इस पर और कामयाबी पाएँ। इसी थीम पर हमारा पूरा वर्क होगा। मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है, मैं यहाँ पर उपाध्यक्ष हूँ और हमारी संस्था पिछले काफ़ी सालों से बड़ी प्रतिमा के नाम से प्रसिद्ध है, गौशाली वाली माता के नाम से। और यहाँ पे इस बार करीब आपके शहर में 22 फीट करीब ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी, क्योंकि शहर में इतने तार बड़े हैं, इससे ज़्यादा प्रतिमा नहीं आ सकती। इसलिए जो एक्चुअल साइज उसकी है वो है 22 फीट ट्रॉली सहित, वो आपको देखने को मिले, भव्य और आकर्षक सजावट आपको देखने का मिलेगा। हम चाहेंगे पूरे जौनपुर से क्या पूरे शहर के जितने भी लोग हैं, पूरे जनपद के पूर्वांचल एरिया से वो आएँ और देखें और हमारे इस मुहिम में अपना सहयोग और भागीदारी रखें। थैंक यू। पूरे पूर्वांचल में अपनी दिव्यता के लिए मशहूर फल वाली गली की प्रतिमा पूजन पंडाल में पहुंच चुकी है। इस बार लगभग 25 फीट ऊंची इस प्रतिमा को पूजन पंडाल तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्री दुर्गा पूजा समिति फल वाली गली, जो 1972 में श्री फल वाली गली का जो है स्थापना हुआ था और 1972 से निरंतर यहाँ पूजा हो रहा है और बस कुछ ही साल बचे हैं जो इसका 50वां वर्ष मनाना है। ये दुर्गा पूजा समिति पूरे पूर्वांचल में अपना स्थान रखती है। यहाँ की प्रतिमा की ऊंचाई मिनिमम 25 फीट से आसपास रहती है, जिसे देखने के लिए लोग पूर्वांचल के कोने कोने से लोग आते हैं और यही एक ऐसी संस्था है जहां माँ आदिशक्ति का दर्शन करने के लिए लोग कूपन खरीद कर दर्शन करते हैं। ये पूरे पूर्वांचल में इसकी विशेषता है कि लोग कूपन ढूंढते हैं और ख़रीदते हैं और माँ के चरण पादुका का दर्शन करते हैं। नगर के उर्दू बाज़ार में स्थापित होने वाली नवयुग संस्था के पदाधिकारी इस बार अपने पूजन पंडाल को
एक भव्य मंदिर का रूप देने में लगे हुए हैं। इस बार यह संस्था अपना 49वां वर्ष मना रही है। नमस्कार, मैं नवयुग संस्था अध्यक्ष राजा सुचंद्र रज्जू। इस वर्ष 49वां वर्ष है और 2 साल का हमको कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। भरसक पूरा प्रयास हमारे रहेगा कि कुछ नई सोच और नई दिशा की तरफ इस कार्यक्रम को हम लोग ले चलें और अच्छे से अच्छी चीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। और इस वर्ष हम लोग परिवार के संस्था के परिवार में जो लोग हमारे फैमिली के हैं वो डांडिया का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और भरसक ये अच्छा लगेगा आप लोगों को कि जो सोच हमारे अंदर है वो हम आपको एकदम खुल के दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। और 50वां तो हमारे इतने सहयोगी लोग हैं, उससे भी कहीं अच्छा करना चाहेंगे। जौनपुर की दुर्गा पूजन समितियों का नेतृत्व करने वाली श्री दुर्गा पूजा महासमिति ने हर बार की तरह इस बार भी समितियों को अनुशासन में रहने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। श्री दुर्गा पूजा महासमिति जौनपुर जो 2 अक्टूबर सन 1979 को स्थापित हुई, तो हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय ने कुछ जन समस्याओं को लेकर के इस दुर्गा पूजा महासमिति का की स्थापना की, जिसमें बाइलाज बनाया और समय समय पे उस बाइलाज में भी जो आवश्यकता महसूस हुई हम लोगों ने परिवर्तन वो करते रहे। आज दुर्गा पूजा महासमिति से संबद्ध लगभग 600 समितियां हमसे रजिस्टर्ड हैं, जबकि जनपद जौनपुर में लगभग 2000 समितियां हैं। और जो मुझसे संबद्ध नहीं भी हैं वो भी संपर्क में रहती हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी आदेश निर्देश हमें प्राप्त होते हैं, निश्चित रूप से हम एक सांस्कृतिक और धार्मिक संस्था की परंपरा को निभाते हुए उसका हम पूर्णतः पालन करते हैं। और मैं भी चाहूँगा अपने सभी समितियों से कि आप उसका पालन करें। डीजे का जहाँ तक बात है, तो निश्चित रूप से ये आपने देखा होगा कि जो तेज धमक की आवाज़ होती है उसमें हमारे बुज़ुर्ग या पेशेंट जिनको हार्ट अटैक का बहुत सी केसें आई, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और आप सभी समितियों से मैंने निवेदन किया हुआ है कि आप उसे पहले से भी हमारे महासमिति के दिशा निर्देशन में ये दिया गया है कि 2 छोटा बॉक्स और 2 हार्न का ही हम इस्तेमाल करते हैं और स्लो आवाज़ में हम उसको बजाते हैं। दूसरा, पंडालों पे जो हमारे पंडाल लगते हैं वहाँ मेला के दौरान 10 बजे तक जो है हमारा वो स्लो आवाज़ में चलता है और 12 बजे पूर्ण रूप से हम लोग उसको बंद कर देते हैं। जो नियम निर्देश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। और इस वर्ष हमने कुछ नई चीज़ों को लागू करने की कोशिश की है, जल संरक्षण से संबंधित, नारी सशक्तिकरण से संबंधित, देश की एकता अखंडता से संबंधित। इस पे हमने एक नया जो है वो लाया है कि आप पंडाल जो सजाते हैं पंडाल के अंदर एक झांकी के लिए हमने निर्देशित किया हुआ है, सबको आवेदन किया है कि अगर आप पंडाल के अंदर एक ऐसी झांकी बनाएं जिससे समाज में जो व्यभिचार बढ़ा हुआ है, नारी का सम्मान नहीं हो पा रहा है, जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं उससे संबंधित अगर आप झांकी बनाते हैं, उसको रोकने के संबंधित आप झांकी बनाते हैं और जो लोग मेला में आते हैं तो आप ऐसा स्लोगन लिखें जिससे कि लोगों को उसका एक संदेश जाए कि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और देश की एकता अखंडता को भी हमने बनाया है कि आप उस पर भी अपने झांकी बना सकते हैं। उस पर हमने अलग से प्राइज भी घोषित किया हुआ है। और मेला को बढ़ावा देने के लिए हमने जो है शोभा यात्रा जो दशमी के दिन हमारी निकलती है और यहाँ से आपके अहियापुर मोड़ से, जिसको जिलाधिकारी महोदय, SP साहब महोदय उसका उद्घाटन करते हैं, और मेला हमारे कंट्रोल रूम कोतवाली से होते हुए विसर्जन घाट पर जाकर के विसर्जित होती है विसर्जन कुंड में, तो उस मेला को भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने जो है उत्साहवर्धन के लिए हर सभी जो संस्था हमारी जो प्राइज पाती हैं फर्स्ट,
उसमें हमने 5100 रुपये नगद का एक अलग से ये प्रोत्साहन स्वरूप हमने दिया है कि जो हमारे कार्यकर्ता उसमें लग करके दिन रात मेहनत करते हैं और फर्स्ट आने की जो होड़ है हमारे यहाँ, तो उसमें हमने 5100 रुपया अलग से ये नगद कैश भी देने की घोषणा की है। तथा मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि शारदीय नवरात्र को बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसे मनाएं, कृपया किसी नशा संबंधित कोई प्रयोग न करें और दशहरे में आप निश्चित रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। श्री दुर्गा पूजा महासमिति के सभी संरक्षक गण की तरफ से, विशिष्ट सदस्य की तरफ से और अपने पूरे प्रबंधकारिणी की सब तरफ से मैं सबको शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। फिलहाल हर बार की तरह इस बार भी माँ दुर्गा के दर्शन करने आने वाले भक्तों को कुछ नया देखने को मिलेगा। अंकित जायसवाल, जौनपुर लाइव।